मुजफ्फरपुर की कुढ़नी थाना क्षेत्र के जमीन हाट में दो दिन पहले बाइक सवार तीन बदमाश उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के CSP को लूटने पहुंचे थे। इस दौरान स्थानीय लोगों ने एक अपराधी को पकड़ लिया था, जिसके बाद अन्य बदमाशों ने गोलीबारी की थी। हालांकि बाइक सवार दो बदमाश भागने में सफल रहे थे। पुलिस ने अब दोनों फरार बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पकड़ा गया एक अपराधी पहले से पुलिस की हिरासत में है और उसका इलाज PMCH में चल रहा है। इस मामले को लेकर सिटी SP अवधेश दीक्षित ने बताया कि दो दिन पहले हुई CSP लूट के प्रयास में शामिल बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है। फरार बदमाश अंकित और पवन को बलिया से गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में अब तक तीन बदमाश पकड़े जा चुके हैं, जिनके पास से एक पिस्टल, एक कारतूस और एक खोखा बरामद किया गया है। घटना में प्रयुक्त बाइक भी जब्त कर ली गई है। CTSP ने यह भी बताया कि अभी इस घटना के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी नहीं हुई है और पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है। इन बदमाशों के खिलाफ विभिन्न थानों में कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। इधर देखिएगा सर, थोड़ा उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक से रिलेटेड ही एक CSP है जो जमीन हाट में है कुढ़नी थाना अंतर्गत। वहाँ पर कुछ अज्ञात बाइक सवार कुछ अपराधियों के द्वारा CSP को लूटने की कोशिश की गई, लेकिन जो आसपास में ग्रामीण मौजूद थे और जो ग्राहक मौजूद थे उनकी सतर्कता और उनकी करेज की वजह से उन्होंने उसको अपराधी को पकड़ा और इस घटना को अंजाम करने के बाद जब लोग भागने लगे तो भागने से पहले उन लोगों को पकड़ लिया गया और पकड़ने के क्रम में ही जो आपस में बकझक हुआ था उसी में एक अपराधी के द्वारा अपने ही एक साथी अपराधी को गोली मारा गया, जिससे कि वो घायल हो गया था। उस अपराधी का नाम आकाश कुमार है। ये आकाश कुमार नाम का व्यक्ति ये रहने वाला है खरौना का। इसके बाद में हम लोगों ने इसको इलाजरत है अभी, ये इसी के पास से हम लोगों ने एक पिस्टल बरामद किया है, एक मैगजीन बरामद हुई है, कारतूस बरामद हुआ है। हमें बैंक की पासबुक जो ये लोग लूट करके लेके गए थे और कुछ पैसा 2000 के आसपास में पैसा जो ये लोग लूटने का कोशिश किया था वो हम लोगों ने बरामद किया है। मोटरसाइकिल भी जो अपराध करने में जो यूज़ हुई थी वो हम लोगों ने बरामद की है। इसी के निशानदेही पे इससे पूछताछ के क्रम में जिन लोगों का नाम सामने आया उन लोगों में से हम लोगों ने दो लोगों की अभी गिरफ्तारी की है, जिनमें एक व्यक्ति का नाम अंकित कुमार है, एक पवन कुमार है। ये दोनों तुर्की थाने के कफेन चकिया और खरौना के रहने वाले हैं। ये तीनों अपराधी काफ़ी टाइम से उस CSP का रेकी कर रहे थे और इसमें तीनों की अरेस्टिंग की गई है। इसके अलावा और भी इस ग्रुप में शामिल थे, जो अपराध करने में शामिल थे, घटनास्थल पर मौजूद थे, उन लोगों के लिए छापेमारी के लिए हम लोग प्रयास रहते हैं, जल्दी उन लोगों की भी अरेस्टिंग की जाएगी। दोनों की कहां से गिरफ्तारी? इन दोनों की गिरफ्तारी हम लोगों ने बलिया से की है। इन लोगों का कुछ अपराधी की थी? इनमें से अपराधी का इतिहास है हम लोग के पास, अभी आकाश का अपराधी का इतिहास मिला है। आकाश पहले करजा थाने में 392 लूट के मामले में जेल जा चुका है, आम सेक्टर चोरी के केस में भी पहले जेल जा चुका है। सिमिलरली जो पुराने बाकी जो लोग हैं वो भी शराब के केस में जेल जा चुके हैं। कुल कितने लोगों की संलिप्तता अब तक आई? इसमें 5 लोगों की संलिप्तता अभी तक आई है। हम लोग 3 लोगों की अरेस्टिंग कर चुके हैं और बाकी 2 लोगों की जैसे ही अरेस्टिंग हम लोग कर लेंगे, हम लोग प्रयास रहते हैं जल्दी उनकी भी अरेस्टिंग होगी, जैसे हो जाएगी तो फिर आपको सूचना दे दीजिए। गोली सर किसने चलाया था? वो जो लोग भागे थे उनमें से एक व्यक्ति गोली चलाया था, इसलिए हम लोग उसका भी नाम आउट नहीं कर रहे। मास्टरमाइंड मेन तो आकाश ही था और आकाश के साथ में एक और व्यक्ति था जो अभी हमारी गिरफ्त से बाहर है, तो जैसे वो पकड़ा जाएगा तो आपको और इसमें क्लियर कर दिया जाएगा। अभी जो दो पकड़े गए हैं वो लूट में जो CCTV में दिख रहे हैं वो दोनों हैं या फिर उसके अतिरिक्त हैं? उनमें से भी हैं, 2 लोग उनमें से भी शामिल हैं, और क्योंकि एक आदमी बाहर बैठ करके रेकी भी कर रहा था तो कुछ लोग बाहर भी थे, कुछ लोग अंदर भी थे।